आपने आलू के कई तरह के पापड़ बना के खाए हों, तो चलिए आज हम आलू से एकदम नए तरीके के कुरकुरे जैसे पापड़ बनाते हैं। तो जब भी बच्चे आपके घर में कुरकुरे खाने की ज़िद करें तो आप पापड़ों को तल के आप उनको दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू। तो मैंने यहाँ पर आलू को उबाल लिया है, उसके बाद इसे ठंडा कर लेना है और इसका छिलका हटा देना है। तो सारे छिलके हटाने के बाद इसे हमें मैश कर लेना है। तो आप इसे पोटैटो मैशर से मैश कर सकते हैं, या तो आप कोई कटोरी ले लीजिए घर में जो खाने वाली होती है, उससे आप इसको मैश कर दीजिए। हमें इसे अच्छे तरीके से मैश करना है, इसमें बिल्कुल भी लम्स वगैरह ना रह जाए। तो देखिए मैंने आलू को मैश कर लिया है, अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जीरा। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टेबल स्पून जीरा डाल दिया है। उसके बाद इसमें डालना है नमक, तो स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक डाल दीजिए। उसके बाद इसमें डालना है 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। इसके बाद इसमें डालना है बारीक कटी हुई हरी धनिया। तो इसमें हमें धनिया की केवल पत्तियों का ही यूज़ करना है, डंठल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद इसमें डालना है 2 चम्मच के करीब तेल। तो यहाँ पर आप सरसों का तेल यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अब इसमें हमने सारी चीज़ें डाल दिया है, अब हाथों से इसे मिक्स करना है। तो आप इसे हाथों से मसलते हुए मिक्स कीजिए ताकि जो आलू में थोड़ा बहुत पार्टिकल्स रह गए हैं वो भी मैश हो जाएं, नहीं तो पापड़ हमारे अच्छे से नहीं बनेंगे। तो ये देखिए इसे हाथों से ही मिक्स करेंगे तभी अच्छे से ये मिक्स हो पाएगा। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम पापड़ बनाते हैं। तो पापड़ बनाने के लिए हमें चाहिए एक पॉलीथीन। तो यहाँ पर मैंने टाटा साल्ट की पॉलीथीन लिया है, ये सबके घर में ईज़िली अवेलेबल होती है। तो इसका मैंने ऊपरी वाला पार्ट काट के हटा दिया है। उसके बाद नीचे से भी एक साइड से हमें काट देना है और ज़्यादा बड़ा नहीं काटना है। उसके बाद हम पॉलीथीन को उल्टा कर लेंगे। तो देखिए अंदर वाला पार्ट को मैंने ऊपर कर लिया है, अब इसके ऊपर से हम लगाएंगे तेल। तो अंदर साइड इसे अच्छे से तेल लगा के इसे फिर से हम पलट लेंगे। तो देखिए मैंने पॉलीथीन को पलट लिया है, अब इसके अंदर हम डालेंगे आलू वाले बैटर को। तो अब इसमें हम आलू भर देंगे। तो देखिए इतना आलू इसमें मैंने डाल दिया है। अब इसके ऊपर से आप चाहे तो रबड़ लगा लीजिए या तो ऐसे ही हाथों से केवल पकड़ लीजिए और फिर इसे एक पॉलीथीन के ऊपर हमें इस तरह से बना लेना है पापड़। उसके बाद हमें कैंची से कट कर देना है। तो देखिए इस तरह हाथों से प्रेस कीजिए तो ये आराम से निकल आएगा और इसे हमें सीधा सीधा बना लेना है। उसके बाद जितना बड़ा करना हो उसके बाद इसे कैंची से काट देना है। तो इसी तरह से हमें सारा पापड़ बना के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए मैंने सारा पापड़ बना लिया है, अब इसे हमें सुखाना है धूप में। तो इसे सुखाने में काफ़ी दिन लगता है, इसलिए हमें 5 से 6 दिन इसे धूप में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सूख पाएंगे। उसके बाद आप इसको तल के खाइए। तो चलिए इसको मैं तल के भी दिखा देती हूँ। तो देखिए पापड़ अच्छे से सूख गया है। उसके बाद कढ़ाई में हमें तेल गर्म कर लेना है अच्छे से। उसके बाद इसमें डाल देना है पापड़ को और थोड़ी देर के लिए इसे अलटते पलटते हुए हमें सेक लेना है। जब तक ये बड़े साइज़ में नहीं हो जाते हैं तब तक इसे हमें तल लेना है। तो देखिए पापड़ बड़े साइज़ में हो गए हैं और ये तल गया है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये पापड़ खाने में बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे लगते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा।